मैं सुदेश थे, देख रहा हो झलको चूरू। झलको चूरू पर यदि नया हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करो बिल्कुल ही ना भूलिया। चूरू जिले री आज है जिकी मोटी मोटी थाने करवा सुना रहा। जिले रे तारानगर में मोटो हादसों है जिको टल गयो। शुक्रवार ने बतायो जावे है की 20 टॉप राउंड भरेड़ी एक निजी स्कूल री बस है जिकी अचानक है जिकी तारा रे माया उलझ गई। और बतायो जावे है की हादसे रे टाइम 3 पोल हा बेबी क्षतिग्रस्त हो गया। थाने बता दें कि तार हा जका ढीला हा बिर वजह बस है जिकी ऊपर छत लाग गई। हालांकि बस में जका सवार बच्चा हा बेसारा सुरक्षित है। और थाने बता दें कि वार्ड नंबर 5 तारानगर में बीते में हड़कंप मच गयो जब 20 टॉपर एक निजी स्कूल बस है जिकी नीचे झूल रहा तारा चपेट में आ गई। हादसे रे दौरान गनीमत आ रही कि जका टाइम तारा में करंट दौड़ रहे हो बी साइड री जकी बिजली रा तार हा बेटूटेड़ा हा, नहीं तो एक मोटी घटना हो सकती ही। थाने बता दें कि वार्ड नंबर 5 रे लोगा जमर खरी खोटी सुनाई और आपसी थोड़ी बहुत बोलचाल भी हुई, लेकिन बाद में समझाइश हुई है। बाद में कर्मचारी हैं जिको नए पोल लगाने पर कार्य जिको है वो शुरू कर दियो है। कई जगह है जिको बिजली रा तार है जिका झूलता नजर आवे, लेकिन लोगों री शिकायत रहे बावजूद भी विद्युत विभाग आ पर कोई ध्यान कौन देवे। अब आ रही दूसरी खबर। जिले में लगातार बारिश रो जिको दौर है वो चल रो है। इंद्रदेव री मेहरबानियों नष्ट हो रही है किसाना री फसला। मानसून लेट आयो लेकिन भरपूर आयो। चूरू जिले में लगातार बारिश आऊं किसाना री फसला है जकी खराब हो रही है। निचले इलाका में पानी भरने रहूं कई लोगों ने दिक्कत रो सामनो करनो पड़े है। जटे थे आप इस स्क्रीन पर तस्वीर है जिकी मुख्यालय जुड़ेड़ी है 18 किलोमीटर दूर सहनाली बड़ी रही है जकी जगह बारिश होने रे बाद में गांव में जगह जगह पानी एकत्रित हो गयो। कई घर में तो पानी घुस भी गयो जकरे बाद में ग्रामीणा काफी परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। अब आ रही तीसरी खबर। चूरू जिले में मिली अंग्रेजी माध्यम स्कूलों ने लगातार है जो को विरोध प्रदर्शन तस्वीर सहावा गावरी है। जटे लोगा ई बात ने लेर प्रदर्शन करियो कि इंग्लिश मीडियम स्कूलां जकी नई खोली जा रही है बे खुले, परंतु बीओ पहला चल रही हिंदी माध्यम री स्कूलां है बने बंद नहीं करियो जावे। हालांकि यथावत रखने रो जो को काम है वो करियो जावे। इस वास्ते चूरू जिले में ओ विरोध हो जको भारी रहो। अब आ खबर चौथी। रीट में सफल आयोजन रीज की तैयारियां हैं बी में चूरू प्रशासन पूरो जुट चुको है। चूरू प्रशासन आन वाली 26 सितंबर ने होन वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 री तैयारियां में जुट गयो है। जिले रे सभी आला अधिकारी और अधिकारियों समीक्षा री बैठक लेर बतावा थाने कि रीट राज्य में अब तकरीब सब मोटी प्रतियोगिता बीच में है, एक मोटो रूप है जो को ले सके है और आयोजित भी हो रही है। शिक्षा विभाग रे आंकड़ा रे अनुसार ई परीक्षा रे लिए 25,71,000 अभ्यर्थी पंजीकृत है जक में 9,00,000 अभ्यर्थी दोना स्तर री परीक्षा में शामिल हुई। ई प्रकार 16,22,000 अभ्यर्थी ई परीक्षा में बैठी। इमें 2,70,000 अभ्यर्थी दूसरे राज्य रा 7,30,000 परीक्षार्थी समय गृह जिले रा है परीक्षा दे और 6,20,000 अभ्यर्थी अंतर जिलाओं आगमन करी। झलको चुरू रो मानना है कि ए अगर चुनौतियां रही तो पेपर लीक जैसी जकी आशंका है बन रोकनो एक चुनौती हो जाई। पेपर लीक जैसी आशंका ने रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलानो पड़ी। पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतनी पड़ी। कई प्रकार का अपवाह तंत्र है बने तुरंत रोकना पड़ी। एक सागे ज्यादा संख्या में इकट्ठे होने पर विद्यार्थियों अंदर टकराव री स्थिति ना होवे। ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देनो हुई। विद्यार्थी अपने साथ मोबाइल और अपनो निजी सामान है जको लेर आई, परंतु बाने व्यवस्था रे लिए चुनौती करनी पड़ी। जका विद्यार्थी निजी वाहन लेर आई बारे पार्किंग री व्यवस्था करनी पड़ी। ऑटो रिक्शा अन्य जका निजी वाहन है बाने अधिक किरायो ना वसूलियो करयो जावे इर लिए एक टीम बनानी पड़ी। विभिन्न जका सामाजिक संगठन में रहने वाला खाने री व्यवस्था है खाने री सफाई है बारी व्यवस्था रे लिए एक अलग अलग टीम बनानी पड़ी। नकल गिरोह ने रोकण वास्ते विशेष ध्यान रखनो पड़ी पुलिस प्रशासन ने। तो ए आज चूरू जिले की 4 खबरें ही जकी मेथा ने विस्तार से सुनाई। 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में तारानगर ब्लॉक में 2,712 अभ्यर्थियों का सेंटर दिया गया, जिसमें 9 सेंटर दिए गए हैं तारानगर क्षेत्र में, जिसमें से 5 सरकारी संस्थान हैं, 4 निजी संस्थानों में सेंटर रखा गया है। 2 सतर्कता दलों का गठन किया गया, जिसमें एक
एक में मेरे साथ DYSP साहब और ACPO साहब को रखा गया, दूसरे सतर्कता दल में तहसीलदार के साथ SHO सावा और ACPO साहब को रखा गया है। इसके अतिरिक्त सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, इसमें पार्किंग से संबंधित है और बच्चों को रुकवाने की व्यवस्थाओं के लिए हम अपील कर रहे हैं अलग अलग धर्मशाला संस्थाओं से या अलग अलग जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं कि बच्चों को रुकवाने के लिए खाने पीने की रुकने की कोई व्यवस्था कोई परेशानी ना आए, इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं।